उसके पास कोई जमीन नहीं थी। तीन टर्म रहने के बाद आज देखिए उनके पास भी ले लिया है, दो फोर व्हीलर है, पूर्णिया में फ्लैट खरीद लिया है, जमीन खरीद लिया है। ये किसकी पैसा से? यही जनता की पैसा से। इसीलिए जनता जो है आजीज हो गई है इससे। इसीलिए इस बार जो है पूरे जनता मिल करके बम भाई को खड़ा किए हैं। ये वोट नहीं दिया है वो कहा जाइए जाइए हमारे वोट खड़ा कर। अब के बारे में सोचेंगे आवास मिला है वो एक भी इंदिरावास आज तक क्यों नहीं बना? नहीं बनने का वजह यह है कि जिसके नाम से भी बनता है वो दो चार पाँच दस दलाल रखे हुआ है। जैसे उसका फंड में या उसके नाम से यह इशू हुआ उनके ऊपर चढ़ाई हो जाता है कि पहले कहता है कि हम विकास किए हैं तो विकास दिखावे। विकास वो अपना ही किया है, जनता के लिए कहीं कुछ विकास नहीं है। जनता का विकास किया है वो समाज का मुखिया इसलिए बनाया जाता है, उसको एक जज का पोस्ट होता है। मुखिया गौ समाज का भी बनाता है कि जायज नजायज फैसला करने के लिए, हित में फैसला करने के लिए। ये ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को जो है कि गरीब को तोड़ कर निचोड़ करके तुम जान मार दोगे। मुखिया इसलिए बनाया गया है समाज में, कोई कमजोर है तो उस जमीन का मालिक तुम बबलू मुखिया भूपेंद्र मुखिया, यही मुखिया का काम है। और अभी हम तड़प रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं और मेरा जमीन वो जो है कि तहस नहस करके बर्बाद कर दिया, जिस पर के भी मेरा सही रास्ते पे ले जाता जो गरीब को एहसास करता है देखने वाला उसको वोट चुन करके दिखा देंगे बम बम जी को वोट। कोई विकास नहीं, हम माहौल है हम लोग का बम बम को देंगे, इसी को चाहते हैं हम लोग। विकास नहीं भी होता है ना फिर भी डर से कोई नहीं बोलता, मतलब दबंग है ये है वो महतो वो तकरार से इलेक्शन लड़ रहा है, बोलता है कि अगर हमको नहीं दीजिएगा वोट तो हम बीपीएल से नाम काट देंगे।